आइए, आपका स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। पेट के मतलब पाचन संस्था के विकार के काफ़ी लोग मेरे पास में आते हैं। अभी मैं आपको एक बताने वाला हूँ पेशेंट की स्टडी, जिसमें ये जो व्यक्ति है वो 60 साल का है, खेती में काम करता है, मगर उसको प्रॉब्लम यह है कि उसका पेट फूल जाता है। रात का खाना खाने के बाद में इतना पेट फूलता है कि उसको नींद भी नहीं आती है। फिर वो नींद की गोलियां खाते रहता है। फिर नींद गोली खाने के बाद में उसको ऐसा लगता है कि लैट्रिन हो जाएंगे। फिर कभी कभी लैट्रिन होती है, रात को लैट्रिन होती नहीं है। फिर धीरे धीरे पेट उतर जाएगा, बाद में उसको सुबह सुबह नींद लगेगी। ये लोगों को जो पाचन संस्था की जिनको विकार है, उनको पेट का फूलना, फिर बहुत रेस्टलेसनेस हो जाना, मतलब ऐसा बेचैनी जैसा लगना, ढकार आना, एसिडिटी होना, बहुत आम्ल पित्त होता है ना, बहुत एसिडिटी हो जाती है। और फिर उनको कुछ भी खाने की इच्छा नहीं होती, भूख बहुत लगती है मगर खाना ऐसा लगता है कि नहीं खाना चाहिए। और लेटरिन को 3-4 बार जाते रहते हैं मगर वो उसमें समाधान नहीं होता कि लेटरिन पूरी हो गई या पेट साफ हो गया। या किसको बहुत लेटरिन मतलब ज़्यादा बार लगने लगती है और पतली होती है, किसको लगती भी नहीं है। तो इनको ऐसे प्रॉब्लम ये व्यक्ति को था, इनका मैं आपको वीडियो बताता हूँ। आपका नाम है जिला जड़गांव। हाँ, हिंदी में बोलो आपको क्या क्या तकलीफ होती है, जैसा भी आता है हिंदी में। पेट फूकने का, पेट पेट फूकता है, पेट फूकता है रात को। हाँ, रात को पेट फूकता है। हाँ, और क्या होता? और नींद नहीं आती है। नींद नहीं आती। हाँ, और क्या होता? और नींद नहीं आती, बस थोड़ा। हाँ, और फिर खाना खाने के बाद में पेट फूकता है। हाँ, क्या होता है? बाथरूम एक बाथरूम के जाने के बाद। हाँ, सोने के समय, सोने के समय जब आप खाना खाने के बाद में, हाँ, जब बेड के ऊपर जाते हो, हाँ, तो सोने के समय फिर पेट फूल जाता है। फूलता है। और बाद में नींद लगती? नींद नहीं लगती है। नींद लगती नहीं है। मग त्याच्यामुळे झोप लागत नाही होती, त्याच्यामुळे त्रास भरपूर 5-6 वर्षापासून त्रास होता आहे। त्या एंडोस्कोपी केल्या 3 वेळा। सुद्धा जमलं नाही। इतर डॉक्टरांना असे 50 डॉक्टर पाहिले मी। युट्यूबवर प्रोग्राम पाहिला, तुम्ही सांगितलं की बा त्याप्रमाणे मी आलो आहे। आता काय पाहू। किती वर्षापासून असं होत आहे? 4-5 वर्षापासून। 4-5 साल से असं होत? ओके। क्या काम करते हैं आप? खेती। खेती करते। उम्र कितनी है? 60। 60, 60 साल की उम्र है। हाँ। और अभी तक तो जो दवाई लिया उससे कोई फायदा नहीं दिख रहा आपको? नहीं। बार ठीक है। अभी अकेले आए आप? हाँ, अकेले। अकेले। हाँ, आपको ये जानकारी कैसी मिली है हॉस्पिटल की? यूट्यूब के माध्यम से। यूट्यूब के माध्यम से मिली। ठीक है, ओके, ठीक है, बहुत अच्छा। तो इसमें इनको जो प्रॉब्लम हुआ, इसमें उनको हमने एडमिट किया। और हमारी जो ट्रीटमेंट मेथड है उसमें साइकोथेरेपी है, काउंसलिंग है, फिर रिलैक्स कैसे करना पूरे बॉडी को, टेंशन स्ट्रेस दिमाग के ऊपर का कैसा कम करना, और फिर मेडिसिन उसके साथ में देके हम इसका इलाज करते हैं और काफ़ी लोगों को फ़ायदा होता है। पाचन संस्था का मेनली क्या है कि ब्रेन में टेंशन आता है, ब्रेन में स्ट्रेस आता है, और ब्रेन में स्ट्रेस आने के बाद में क्या होता है कि ब्रेन अपना भेजा मस्तिष्क कुछ ना कुछ ऑर्गन चुन लेता है। और जिनको पाचन संस्था का प्रॉब्लम है वो ब्रेन अभी पाचन संस्था को चुन लेता है और वहाँ फिर प्रॉब्लम दिखाई देते हैं। एक बार प्रॉब्लम शुरू हो गई कि फिर कंटिन्यूसली ऑनगोइंगली वो हैबिचुअली हो जाता है प्रॉब्लम का आना। ये एक्चुअली मनोशारीरिक बीमारी है, मतलब दिखती है शरीर की बीमारी, लगता है पाचन संस्था की बीमारी, मगर सब तरह की जांच करने के बाद में भी कुछ भी उसमें मिलता नहीं है। और फिर गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट जो है वो बोलते हैं कि हाँ, सोनोग्राफी कर लिया उसमें नॉर्मल है, गैस्ट्रोस्कोपी कर लिया, कोलोनोस्कोपी कर लिया, सब तरह की स्कोपीज करने के बाद में भी पेट में बोलते कुछ नहीं निकलता है, पेट सब मतलब पेट में सभी नॉर्मल है। फिर वो देते हैं रिपोर्ट गैस्ट्राइटिस, सूजन है पेट में, ऐसा रिपोर्ट देते हैं, उसमें भी क्वेश्चन मार्क रहता है और दवाई देते रहते हैं। पेशेंट को बोलते कि कुछ नहीं हुआ, घर पे जाओ। बोलता है पेशेंट कि भाई मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ, मुझे तकलीफ हो रही है ना, मैं झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ, मेरे को तकलीफ हो रही है, मेरा इलाज करो। और वो कभी साइकेट्रिस्ट के पास में लोगों को भेजते नहीं है। तो मेरी ऐसी रिक्वेस्ट है कि ऐसा कभी पेशेंट मिलता है तो उसको साइकेट्रिस्ट की जरूरी है, क्योंकि बाकी दवाई देके उसको फ़ायदा तो नहीं मिल रहा है। एक्चुअली गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट जो है या फिजिशियन जो है वो उनको देते हैं अल्प्राजोलाम की टैबलेट, एंटी डिप्रेशन की टैबलेट, या फिर पेट में मतलब जो मसल रिलैक्सेंट्स है, स्मूथ मसल रिलैक्सेंट्स, वो टैबलेट देते रहते हैं, तो उसमें उनको ठीक लगने लगता है। मगर एक्चुअली मूल प्रॉब्लम जो है टेंशन का, स्ट्रेस का, वो तो ठीक होता नहीं है, और फिर वो डॉक्टर के तरफ घूमते रहते हैं। मेरे तरफ जब आते हैं ना तो 5-10 फाइल, 15 फाइल ला के रखते हैं लोग सामने कि देखो भाई इतना सब इलाज का फ़ायदा नहीं हो रहा है।
तो इनको साइकोथेरेपी, सम्मोहन उपचार, मेडिसिंस ऐसा सब देने के बाद में इनका इलाज होता है। ये भी जो व्यक्ति मैंने आपको बताया इनका भी इलाज हो जाएगा और बिल्कुल अच्छे हो जाएंगे। वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन के ऊपर क्लिक करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।